प्रणाम। टुडे समाचार में अपने के स्वागत आज हम ज्योति शुरू करिए। मंत्री के अंगरक्षक में खटल, सशस्त्र प्रहरी के बृहस्पति दिन हटाओल गेल संबंधी समाचार से। प्रदेश सरकारक मंत्री के अंगरक्षक में खटल, सशस्त्र प्रहरी के बृहस्पति दिन हटाओल गेल। सातटा प्रदेशक मंत्री के अंगरक्षक आ सुरक्षा में खटल, सशस्त्र प्रहरी के फिरता बजाओल गेल। सशस्त्र प्रहरी के केंद्रीय प्रवक्ता DIG राजू अरियाल के अनुसार फौज के नया कार्यविधि अनुसार प्रदेश के मंत्री सबके सुरक्षा में खटल, सशस्त्र प्रहरी के फिरता बजाओल गेल। सशस्त्र प्रहरी के नया कार्यविधि में प्रदेशक मंत्री सबक सुरक्षा में सशस्त्र प्रहरी नहीं खटल जात उल्लेख कैल गेल। प्रवक्ता अरियाल कहलन ओही प्रावधान अनुसार प्रदेशक मंत्री के सुरक्षा में खटल, सशस्त्र प्रहरी सबके फिरता बजाओल गेल। प्रदेश दू सरकारक मंत्री सब लेल मात्रे करीब 32 गोटे सशस्त्र प्रहरी के वरिष्ठ हवलदार आ हवलदार खटल छैक। प्रदेश सरकारक दोसर मंत्री सब के दू दू गोटे सशस्त्र प्रहरी आ आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री के पछुआ सहित 8 गोटे सशस्त्र प्रहरी खटल गेल छल। अंगरक्षक आ सुरक्षा से सशस्त्र प्रहरी हटाओल गेल प्रदेश दू सरकार के जानकारी कराबि चुकल अछि। मंत्री के अंगरक्षक से सशस्त्र प्रहरी हटौलाक बाद प्रदेश दू के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव बृहस्पति दिन बेरिया आकस्मिक सुरक्षा बैसार बजौने छलनि। बदलत राजनीति घटनाक्रम लगले प्रदेशक मंत्री सब के सुरक्षा से सशस्त्र प्रहरी हटौलाक बाद प्रदेश दू सरकारक मंत्री सब में दोसरे संशय देखल गेल अछि। जनता समाजवादी पार्टी नेपालक केंद्रीय कार्यकारिणी नेता शरद सिंह भंडारी नेकपा लोकतंत्र के समाप्त कर चाहि रहल आरोप लगौने छन्। राम जानकी युवा क्लब द्वारा निर्मित गणेश मंदिर के दसम वार्षिकोत्सव एवं पदाधिकारी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बृहस्पति दिन बजैत पूर्व रक्षा मंत्री समेत रहल नेता भंडारी प्रधानमंत्री ओली प्रतिगमन कऽ लोकतंत्र समाप्त करबाक खेल में लागल बतौलनि। ओ मधेसी शहीद सबके बलिदानी से प्राप्त लोकतंत्र आ संहिता समाप्त भेल त सबसे बेसी क्षति राज्य से अवहेलित मधेसी जनजाति लगायत के वर्ग के हाथ बतबैत अय के लेल ओली के प्रति गमन में परास्त कर पड़बाक बतौलन। लेकिन जब उपलब्धि हासिल कर रहे जब लिमिटेड उपलब्धि हासिल कर रहे वो हासिल ले उपलब्धि है वो उपलब्धि लिए प्रतिगमन के खतरा है वो उपलब्धि लिए आए सिनाई की अवस्था में है और आए लोकतंत्र समाज की तरफ से कहा जाए तो लोकतंत्र आए लोकतंत्र प्राणी आए भरा हुए पड़े जब लोकतंत्र ही नहीं रहते कहां से पकड़ा जब लोकतंत्र ही नहीं रहते कहां से पकड़ा लोकतंत्र अगर नहीं रहा कोई समस्या नहीं कोई भी पार्टी की सरकार रहे कोई भी पार्टी के लिए जाके अपनी तो हो लेकिन लोकतंत्र सब के रखा लेकिन लोकतंत्र संभव हो जाए छे जब लोकतंत्र ही चकनाचूर हो जाए छे सबसे बड़ा मार वही समुदाय के वही पार्ट के मरे से जे समुदाय के पार एक देश के सबसे कमजोर और उत्पीड़ित समाज पर अपन बात करने के लिए आज जे भाषा बोल रहे जे बात आज हम बीच में कर जे बात आज हम बीच में आज हम अपने अपने बीच में कर और वो के अधिकार में अगले देश में कायम नहीं है हमारा सबके अस्तित्व के लायक पहचान के लायक अधिकार के लायक मधेसी जनता अधिकार के लेल केहनो भी लड़ाई लड़ लेल अधिकार दिला सा रक्षा मंत्री तक की कोनो भी पद त्याग तैयार रहल बतबई तो अपना के स्थापित के निहार मधेसी जनता भेला सा मधेस अधिकार प्राप्त नहीं कर धैर अपन आंदोलन जारी रहत बतौलन। इतिहास के बाद में आकर हम उनका साधुवाद देना चाहे
कि हम उससे ज्यादा प्रशंसा के लायक नहीं है। जहां हजारों हजार शहीद सब, हजारों हजार युवा सब छाती खोल के बंदूक के आगे ही छाती खोल के कह रहा शहीद से दिल के हमारे छाती में कोई भी ठोक ले के हम अपन हक सर के आगे आई कि तुम साथ में झूठे आ कोई अपना हमारा फर्ज क्या तुम हमारे हमारा बात है। कार्यक्रम में जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के मेयर लाल किशोर शाह, जनकपुर धाम के स्थायी राजधानी बनाव पड़वा तथा महानगर पालिका में घोषणा करबाक लेल केंद्रीय तहक नेता पहल क देव पड़वाक बतबैत जनकपुर धाम प्रति के जसपाक धारणा स्पष्ट करब मांग केने छल। ओ शरद सिंह भंडारी के मधेश प्रति के योगदान के खुलि कर चर्चा केने छलनि। सत्ता प्रतिनिधिस मधेश सीमांत पहाड़ के अधिकार के लिए संघर्ष करने वाला मधेश की दलित जनजाति आदिवासी सीमांतकृत अल्पसंख्यक अति अल्पसंख्यक अति पिछड़ा के कंधा पर लेते और तब एकर सपूत सब अपना कंधा पर राइफल लेके देश के रक्षा के लिए आगे रहते हम कदर करना चाहे छे भूमि पर अपने सबके हक एक बेर सर सिंह भंडारी जी के सम्मान में जोरदार ताली देके जय प्रदेश के मान पर। कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह, असुरिता शाह संगे लोकतंत्र गणतंत्र के रक्षा के लेल युवा नेतृत्व के आगू आब पड़बाक धारणा रखने छलन। निश्चित रूप में हमार केंद्र के नेता सभा प्रदेश सभा का स्थानीय तक सब उपस्थित छे, विभिन्न संघ संस्था के पदाधिकारी सब उपस्थित छे, विकास निर्माण सब बात करे युवा सब के जे क्षमता नेतृत्व विकास लगाए अवसर सब के बात हो रहे। आई हम सब जे क्लब के कार्यक्रम उपस्थित छी याद करी कई देश में बहुत सा व्यवस्था सब है, राणा शासन रहे, प्रजातंत्र रहे, पंचायत व्यवस्था रहे, फिर प्रजातंत्र रहे, हो तो कहीं गणतंत्र रहे सब से। कार्यक्रम में राप्रपा नेपालक नेता कृष्ण प्रताप मल, रामजानकी युवा क्लब के पदाधिकारी तथा विभिन्न वार्ड के वार्ड अध्यक्ष के उपस्थिति रहल छलन। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के असंवैधानिक कदम विरुद्ध धनुषाक लक्ष्मीनिया गांव पालिका में बृहस्पति दिन मोटरसाइकिल रैली निकालल गेल। लक्ष्मीनिया बाजार से शुरू भेल मोटरसाइकिल रैली पालिका के सब गाम आ टोल सब के परिक्रमा केने छल। सिनुर जोड़ा, सोनी, अरेरबा, बनीगामा, अगिलेश्वा, सफी, बननिया, भंगहा, बगेबा, कुमरोड़ा, भगवतीपुर लगायत के गामक परिक्रमा क के पुनः लक्ष्मीनिया बाजार में आब कौन सभा में परिणत कल छल। कौन सभा में जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय प्रदेश जिला आ पालिका के नेता सब संबोधन केने छल। केंद्रीय सदस्य महाजन यादव, राम गोविंद यादव, प्रदेश सभा सदस्य चमेली देवी दास, प्रदेश सदस्य शेष नारायण यादव, लक्ष्मीनिया गांव पालिका का अध्यक्ष विदेश्वर यादव, उपाध्यक्ष इंद्रकला देवी, जिला सचिव घनश्याम यादव, पार्टी के पालिका अध्यक्ष लाल बाबू यादव लगायत जनप्रतिनिधि, स्थानीय नेता, कार्यकर्ता सबके उल्लेख्य सहभागिता रहल छलन। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली तोकल गेल समय सीमा भीतर धरहरा के पुनर्निर्माण हेत विश्वास व्यक्त कलन। बृहस्पति दिन निर्माणाधीन धरहरा के अवलोकन भ्रमण करैत प्रधानमंत्री ओली धरहरा निर्माण समय में हेत कई विश्वास व्यक्त कलन। अवलोकन के क्रम में ओ धरहरा के निर्माण कार्य संतोषजनक रहल बतौलन। ओ धरहरा के निचुलका भाग के निर्माणक योजना के बारे में सेहो जानकारी लेने छलथि। तहिना ओ धरहरा के ऐतिहासिक स्थल बनाब लेल जोर देने राष्ट्र पुनर्निर्माण प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली जानकारी देलनि। गेवाली के अनुसार हाल धरि धरहरा के 21 तलाक निर्माण समाप्त भेलैस तऽ बाकी 2 तला सेहो चैत महीना भीतर सम्पन्न होयत। ओ सर्वसाधारण के विषम तल्ला सँ व्यू देख सकबाक व्यवस्था कयल जायत बतौलनि। अन्य निर्माणक कार्य सेहो तीव्र ढंग सँ आगू बढ़ल ओ बतौलनि।
धर्राको चाहिँ भर्खरै सम्मानित प्रधानमन्त्रीबाट अवलोकन भ्रमण पछाडि चाहिँ यो काम अत्यन्त द्रुत गतिमा अगाडि बढेको यो कोभिडको समयले गर्दाखेरि केही चाहिँ जटिलताहरू बिचमा आयो तर त्यति हुँदाहुँदै पनि यो काम चाहिँ राम्रोसँग अगाडि बढेको भन्ने चाहिँ उहाँले त्यो कुरा चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुभएको छ र त्यसको साथसाथै अब हामीले यो चाहिँ धर्राको यो टावरको कामलाई चाहिँ अहिले 21 तलासम्मको काम सम्पन्न भएको छ अब बाँकी 2 तला बाँकी छ 23 तलासम्मको काम हो र त्यस पछाडि डोम हुन्छ र त्योभन्दा माथि गजुर रहनेछ र चाहिँ त्यो काम चाहिँ हामीले यही फागुन महिनाभित्रमा त्यसलाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ अहिले काम अगाडि बढिराखेको अवस्था छ र सम्भवतः चैतको पहिला ओइसा महिने ब्रस्पैतेका प्रधानमन्त्री ओली सिंह दरबार स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सेहो अवलोकन किनेछलाई विनाशकारी भूकम्पसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयमे निकै असर पडल छल हाल उक्त कार्यालयकै निर्माण समाप्त भेल अब फागुन 3 गते उद्घाटन कयल जायत गेवाली जानकारी देलाइत प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना लगायत के 3 बुन्दे माग रखैत डाक्टर गोविन्द केसी 20वां सत्याग्रह के घोषणा केने छथि बृहस्पति दिन काठमाडौँ के माइती घर में पत्रकार सम्मेलन करैत डाक्टर केसी अब वाला फागुन 12 गते धरि अपन मांग संबोधन नै भेल त सत्याग्रह शुरू करब कई घोषणा केने छथि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सँ संविधान ऊपर निरंकुश प्रहार भेला सँ ओहि के विरोध करब अपन मौलिक कर्तव्य भेला के कारण सत्याग्रह के घोषणा केने डाक्टर केसी बतौलनि केसी अवैधानिक रूप में कयल गेल प्रतिनिधि सभा विघटन के प्रयास सँ संविधान के रक्षा करब करबाक पहिल मांग आगू सारने छथि तहिना अवैध रूप में संवैधानिक निकाय सब में कयल गेल नियुक्ति रद्द कर पड़बाक बतौलनि तहिना चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार के लेल एहि सँ पहिने भेल समझौता कार्यान्वयन कर पड़बाक आ चिकित्सा शिक्षा के गैरनाफा मूलक बनाओल जेबाक सब सार्वजनिक शिक्षण संस्था में 75% छात्रवृत्ति कार्यान्वयन करावक लगायत के राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा ऐनक प्रावधान सब में कार्यान्वयन कर पड़बाक जानकारी दिलाइन नेपालमा हामी नागरिक सार्वभौम हौ त्यसैले हामीसँग बोल्न लेख्न पाउने र सम्मानजनक जीविका आर्जन गर्ने अधिकार मात्र होइन लोकतान्त्रिक अधिकार र स्वतन्त्रताहरूको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि छ यस अगाडि राज्यका जुनसुकै र जतिसुकै शक्तिशाली व्यक्तिहरूले हाम्रो स्वतन्त्रता डाक्टर केसी आम नागरिकके समेत यी अहिंसात्मक पहल कदमीमे सङ्ग देव हेतु अपील केने छथि नेपाल में बृहस्पति दिन थप 81 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 272,430 पहुंचल तहिना कोरोना के कारण थप 5 गोटे के मृत्यु भेल नेपाल में हाल धरि 252 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भेल तहिना थप 111 गोटे कोरोना मुक्त भेला सा नेपाल में 268,660 निक भेल छैक तहिना हाल 1,718 गोटे आइसोलेशन में आ 87 गोटे क्वारेंटाइन में छैक हाल धरि 21,07,449 ट्रापी शियार कयल गेल अछि नाका में खटल सशस्त्र प्रहरी के टोली जाति के ने कहैत बृहस्पति दिन स्थानीय विरोध प्रदर्शन के ने संबंधी देखी एक रिपोर्ट नाका में खटल सशस्त्र प्रहरी के टोली जाति के ने कहैत बृहस्पति दिन स्थानीय विरोध प्रदर्शन के लकाच प्रदर्शनकारी जाति के निहार सशस्त्र के प्रहरी निरीक्षक सुशील केसी सहित ओत खटल टोली के अनियंत्र सरवा कर पर बाक मांग के निया तिलाठी कोयलाड़ी गांव पालिका के बेलही स्थित भंसार कार्यालय सुरक्षा समेत के लिए राखल गेल बॉर्डर सुरक्षा पोस्ट आगू भिनसरे प्रदर्शन में उतरल स्थानीय घराइसी प्रयोजन के लिए 2 किलो चीनी खाय वाला तेल लगा के किराना सामग्री अनैत काल सशस्त्र प्रहरी छीनब आ दुर्व्यवहार करैत आयल आरोप लगाने छैक कतेक गोटे तो ड्यूटी में रहल सशस्त्र प्रहरी घुमुआ मार्फत भारतीय बाजार से सामान आनिहार सब संग मासिक रकम लैत आयल आरोप समेत लगाने छैक हनुमान नगर कंकाली नगर पालिका वार्ड नंबर 14 के अध्यक्ष सत्य नारायण यादव घराइसी प्रयोजन के लिए सीमा पारी भारतीय बाजार से 2-4 किलो सामान लकर एनिहार सर्वसाधारण के सशस्त्र प्रहरी दुखदेव मुदा सेटिंग मिलाने तस्कर सबके निर्बाध रूप में आवत जावत कर देने आरोप लगौलन हमीहरु को 8 महीना देखि ये सुशील केसी इन पर का संग में वार्ता करदे अब थाकेको छ ढेरो जनता के दुख दिने खूब केन्द्र दुख दिने छ हमरो
यो नेपाल र इन्डिया जोडेको छ हाम्रो नेपालमा नयाँ मार्केट लग्न छैन हाम्रो यता नेपालको मान्छे गोठा जर्ना बेच्न जान्छ ओतै 1 किलो मिर्ची लिन्छ दुईटा साडी लिन्छ सबैजनाले 50 रुपैयाँ 100 रुपैयाँ चन्दा लिन्छ त्यो गाउँको मान्छेको धेरै दुख छ रातभरि व्यापारी चल्दै चल्दै खैनी लागु अघि गरे जति जान्छ हैन सबै हाम्रो मान्छेको दुख छ यो इस्पडेको छ हाम्रो सम्झौता भएको छ वडाको सँगमा वडा दाजु भगवानको पूजा विवाह शादीमा तपाईँ आफ्नो प्याडमा लेखेर दिनु पूजाको सामान बिहाको सामान आउँछ त्यो पेपरको चिरेले फेकेको छ सोद्धाखेरि के भन्छ चिर्ने त सानो बात हो पुरा जलाउन सक्छ स्थानीय लीला देवी यादव सीमा पारी भारतीय बजार सँ किराना तथा पूजा के सामान लक अवैध काल अपना संग मासिक 2500 रुपया सशस्त्र प्रहरी के घुमवा लैत्याल आ एक महीना एम्हर रकम नै बुझोला सँ सामान छीन कर दुर्व्यवहार के ने आरोप लगौली तहिना दोसर स्थानीय शंकर यादव गाम में सुपथ मूल्य में सामान नहीं भेट रहला के कारण भारतीय बाजार जा पड़बाक बाध्यता सुनबैत कहलन या तो हमरा सब के एते सुपथ मूल्य में सामान उपलब्ध होए या हमरा सब ऊपर भारतीय बाजार से सामान आनित काल भ रहल दुर्व्यवहार बंद होए भारतीय बाजार में जाकर सामान कीनब हमर सभक शौक नहीं भेलाक बादो सस्ता में सामान भेटला सँ ओतय जाय पड़बाक बाध्यता रहल हुनक कहब छन हमरो समाज को मेन समस्या के छ हमरो समाज एकदम गरीबी र पीड़ित जनसमुदाय को समुदाय हो यहाँ का मानिसहरु जब समय इंडिया जादैन इनीहरुको उपार्जन गर्न एकदमै धधौ पर्छ त्यही भएर हामीलाई बाध्यता इन्डिया जानु पर्छ इन्डिया हामी जानुको कारण के हो हाम्रो सरकारले हामीलाई त्यति सुविधा दिन्छ हामी इन्डिया हाम्रो आइमाई किन जान्छ किन हाम्रो आइमाईको सशस्त्रले हात पाई गर्छ हामी नियम यो निकायसँग म सोध्न चाहन्छु कि ठिक छ त्यही सुविधा हाम्रो यही नेपालमा दिन्छ भने हामी किन इन्डिया जाने हामीलाई चाहिँ इन्डियाको सामान हाम्रो नेपालकै सामान हामी उपयोग गर्छौँ तर विवश भएर हामीलाई इन्डिया जानुपर्छ किनभने हामी गरिबी पीडित मान्छे हौ तर पीडित मान्छेको यहाँ त्यो फाइदा उठाइरहेछ हाम्रो सशस्त्र बलले एम्हर सशस्त्र प्रहरी के एसपी राजु श्रेष्ठ संग जिज्ञासा रखला पर उन्नाका क्षेत्र में स्थानीय वासी द्वारा हो हल्ला आ प्रदर्शन भेल खबर प्राप्त भेल लगले ओहि बारे बुझबा काज भ रहल आ आवश्यक अनुसंधान बाद सब सत्य तथ्य सार्वजनिक कयल जायत बतौलैत सहकर्मी मनोज माझी के संग ज्योति झा जनकपुर धाम सरकार के पहल में काठमांडू में वाटर एटीएम संचालन में आयल पानी पीवा लेल आवश्यकता अनुसार सिक्का व नोट राख स्वचालित रूप में पानी आव वाला वाटर एटीएम संचालन में आयल खाने पानी मंत्रालय काठमांडू महानगरपालिका आ काठमांडू उपत्यका खाने पानी व्यवस्थापन बोर्ड के संयुक्त प्रयास में संचालन में आनल गेल वाटर एटीएम के खाने पानी मंत्री मणिचंद्र थापा उद्घाटन कलत वाटर एटीएम जड़ान भेल संगे स्वच्छ आ गुणस्तरीय पानी पीब के सुविधा उपलब्ध भेल आ ऐसा सर्वसाधारण लाभान्वित हैत मंत्री थापा बतौलन ओ 15 एटीएम रखबाक लक्ष्य रहल आ हाल 4 स्थान में संचालन में आयल जानकारी दिलन सेवामूलक रूप में अब सहज पहुँच होस् भनेर आधुनिक सहरहरुमा पनि यस्तो हुने गर्छ त्यसैले हामीले चाहिँ यहाँ प्रयोग गर्न कोसिस गरेका हौँ पानी के लेल उपभोक्ता प्रति 200 मिलीमीटर के लेल 1 रुपया तीर पड़त प्रति लीटर पानी के 5 रुपया तीर पड़बाक व्यवस्था कयल गेल अछि शुरू में काठमांडू के शांति वाटिका से शुरू कयल गेल वाटर एटीएम के अन्य स्थान में सेहो विस्तार कयल जेबाक मंत्रालय जनौने अछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय कोरोना परीक्षण के शुल्क आब 1000 रुपया मात्र लागत जनौने अछि मंत्रालय एक विज्ञप्ति जारी करैत सरकारी प्रयोगशाला में कयल जाय वाला नमूना परीक्षण के लेल 1000 रुपया निर्धारण कयने अछि आईसीएस के पदाधिकारी सहित कोरोना रोकथाम तथा नियंत्रण संबंध में बैसल बैसार सँ आब उपरांत सरकारी प्रयोगशाला सब में पीसीआर परीक्षण के शुल्क समायोजन क के प्रति परीक्षण 1000 रुपया निर्धारण कयल गेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय सह प्रवक्ता डॉक्टर समीर कुमार अधिकारी जानकारी देने इससे पहले मंत्रालय सरकारी प्रयोगशाला में कयल जाय वाला परीक्षण के शुल्क 2000 रुपया तोकने छल
पुलिस नेकपा केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाकरी के रिहा केलक। राज्य विरुद्ध के कसूर के आरोप में पकड़ायल झाकरी के पुलिस सामान्य पूछताछ के बाद बृहस्पति दिन साँझ रिहा केलक। रिहा भेलाक बाद झाकरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारीक गतिविधि प्रति अपने देने अभिव्यक्ति में कोनो पश्चाताप नहीं रहल बतौली। अखन के लोकतांत्रिक व्यवस्थाक लेल अपना सब लड़ने आ आगामी दिन में सेहो लड़ब कहित झाकरी संविधान के धज्जी उड़ौने आ विधि के नहीं मान्य प्रवृत्ति के सदखन विरोध करबाक धारणा रखलनि। तहिना ओ संवैधानिक राष्ट्रपति संस्था प्रति अपन सदखन सम्मान रहल आ ओहि में जेबाक व्यक्ति सबके आलोचना केला सँ कोनो पश्चाताप करऽ नहि हेबाक बतौलनि। ओ आब ओली के प्रतिगमन हारबाक निश्चित भेल उल्लेख कयलनि। यस्ता मान्छेहरूलाई कर्मश अलिकति टार्गेट गरेर अलिकति राजनीतिक हिसाबले ह्यारेसमेन्ट गर्ने हिसाबले उहाँहरूले विगत एक हप्तादेखि उहाँहरूका गतिविधि थिए मैले राम्रैसँग बुझेको थिएँ। तर आज बिहान गिरफ्तारको लागि जाँदै गर्दा पुलिस झाकरी संग राष्ट्रपति के लक्षित क के गोरखा में देल गेल अभिव्यक्ति बारे जानकारी लेने बतौल गेल। झाकरी पकड़ायल विरोध में विभिन्न क्षेत्र से चरम विरोध आ सरकार के आलोचना भेल छल। नेकपा के दहाल नेपाल सम्मुख झाकरी के पुलिस राष्ट्रपति विरुद्ध गाली गलोच आ मान मर्दन होबय जका अभिव्यक्ति देने कहित बृहस्पति दिन शंखमूल स्थित निवास से पकड़ने छल। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफगान सेना हेलमंड प्रांत में बुधदिन केने हवाई कार्यवाही में तालिबान सम्मुख 27 लड़ाकू मारल गेल सुनौनी अछि। सेना द्वारा बृहस्पति दिन जारी विज्ञप्ति में तालिबान लड़ाकू शव नुका के बैसल कई सूचना के आधार में हवाई कार्यवाही कैल गेल उल्लेख अछि। सेना हवाई कार्यवाही मुख्यतः नावा नहर ए शिराज आ गर्मशीर जिला में केंद्रित भेल सुनौनी अछि। कार्यवाही में लड़ाकू दिशक हंजला आ बराकात नाम केने कमांडर से मारल गेल सेना के दावी अछि। तालिबान समूह उक्त कार्यवाही के बारे में किछ बतौने नहि अछि। बेस्ता टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति के दिए जेबाक आज्ञा। देखत रही टीवी टुडे। नमस्कार।